السلام عليكم dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to apply pass fail यानी result formula in Microsoft Excel. Microsoft Excel में student result के बारे में formula लिखेंगे. Percentage के लिहाज से हम student result बनाएंगे. Student result का जो criteria है greater than or equal to 33%, यानी जिस student के marks 33% से ज़्यादा हो वो pass होगा, और अगर student के percentage 33% से कम हो तो वो fail होगा. तो चलो शुरू करते हैं. यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल एफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद परसेंटेज पर क्लिक करें. यहाँ पर परसेंटेज सेल का एड्रेस आ गया, यानी यहाँ पर हमारा परसेंटेज है D4 सेल के अंदर. अगर ये परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33% कामा डबल कोटेशन के अंदर लिखे पास, इसके बाद सिंगल कामा लिखे और फिर फेल ब्रैकेट क्लोज. रिजल्ट मालूम करने का ये सिंपल फार्मूला है इक्वल एफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, यानी अगर 33% से इसका परसेंटेज ज्यादा हो तो पास होगा वरना फेल. इक्वल एफ ब्रेकर स्टार्ट परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 सिंगल कामा विद इन कोट पास अदरवाइज फेल, और इसके बाद एंटर प्रेस करें. तो इसका जो परसेंटेज है वो 33% से ज्यादा है. अब इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करें ताकि तमाम स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो जाए. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये फेल है क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो 33% से कम है. ये भी फेल है 30%, और ये भी फेल है 31%. तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट यानी पास फेल का फार्मूला अप्लाई करके आसानी से रिजल्ट मालूम कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे.